हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुड वाइब्स के रोज़ हिप फेस वॉश का रिव्यू। इससे पहले मैंने गुड वाइब्स के रोज़ हिप फेस सीरम का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स के रोज़ हिप फेस वॉश के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों ने और मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई किए हैं, लेकिन वो फेस वॉश हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, हमारी स्किन को सूट करते हैं या नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों की हमें कोई परवाह नहीं है। हम कोई भी फेस वॉश लेते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अभी नहीं तो कल हमारी स्किन को ये ज़रूर डैमेज कर देगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी फेस वॉश लें तो ज़रूर देख लीजिएगा कि वो आपकी स्किन को सूट करते हैं या नहीं करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें फेस वॉश क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम फेस वॉश नहीं यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फेस वॉश यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, फेस वॉश के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाहर इतना पॉल्यूशन है, इसीलिए हमें हमारी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी रेगुलर। इसके लिए हम फेस वॉश का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डेली स्क्रब तो नहीं कर सकते हैं। फेस वॉश हमें रेगुलर करना चाहिए। फेस वॉश करते समय हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं जो हमारी स्किन से डर्ट को रिमूव कर दे और हमारी स्किन को क्लीन कर दे। अगर हम सही फेस वॉश नहीं यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाएंगे, इससे पिम्पल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, इवन टोन स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है कि हम रेगुलर फेस वॉश, कोई भी अच्छा फेस वॉश नहीं यूज़ करते हैं और हमारी स्किन के पोर्स लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, इवन टोन स्किन हो जाती है, कहीं ब्लैक ब्लैक कलर होता है, कहीं जैसा हमारा स्किन का कलर है वैसा ही टेक्सचर रहता है, तो इवन टोन स्किन हो जाती है हमारी। ये इसीलिए होता है कि हम कोई भी अच्छा फेस वॉश नहीं यूज़ करते हैं। हमें कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल भी हो और हमारी स्किन को सूट भी करता हो, यानी फेस वॉश के साथ साथ वो हमारी स्किन को क्लीन भी करता हो, हमारे फेस को क्लीन भी करता हो। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स के रोज़ हिप फेस वॉश के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुड वाइब्स एक ब्यूटी इंडियन ब्रांड है। जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स में, वो सभी नेचुरल और हर्बल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं इनके सभी प्रोडक्ट। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, कम क्वांटिटी कम रेंज में आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स के रोज़ हिप डीप क्लेंजिंग फेस वॉश के बारे में। ये मैंने कुछ 1 मंथ पहले मंगाया था, आप देख सकते हैं ये कितना खाली भी हो चुका है। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें इंग्रेडिएंट की। तो जो भी इंग्रेडिएंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं वो सभी नेचुरल होते हैं, जैसे ग्लिसरीन, हनी, आलमंड्स एट्सेट्रा। इसी तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो नेचुरली इसमें यूज़ किए गए हैं। इसका जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़ पर। मैंने purple.com से परचेज किया था तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था इसका। इसकी मैन्युफैक्चर डेट है 8/2020-1/2023 तक ये चलेगा, यानी 3 ईयर्स की मुझे इसकी सेल्फ लाइफ मिल चुकी है। अब इसको यूज किस तरह से करना है गाइस, इसको यूज करते हैं हम 2 बार। कोई भी हम फेस वॉश लेते हैं उसको 2 बार हम यूज करते हैं, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। फेस वॉश को यूज किस तरह से किया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फेस वॉश को लिया, रब किया, अप्लाई कर लिया, बट दिस इज रॉन्ग। फेस वॉश को इस तरह से डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथ पे लेना है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें वाटर यानी पानी ऐड करना है, हल्का सा रब करेंगे, उसके बाद फेस को वॉश करेंगे, अच्छी तरह से मसाज करेंगे 2 मिनट तक। जब इतनी देर तक हम बाहर रहते हैं तो हमारी स्किन पे इतनी ज़्यादा डर्ट इकट्ठी हो जाती है, उसको निकलने कम से कम 2 मिनट तो देनी चाहिए ना, तो अच्छी तरह से मसाज करेंगे 2 मिनट। जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है।
इस फेस वॉश को बॉयज गर्ल्स दोनों लोग यूज कर सकते हैं। फेस वॉश जब भी हम अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करनी है। फेस वॉश हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना है। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, फेस को वॉश तो बहुत बार करते हैं लेकिन मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद ब्लैक लगना शुरू हो जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने फेस वॉश भी अप्लाई कर लिया लेकिन फिर भी हमारे फेस बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ। वो इसीलिए होता है कि फेस वॉश करने के बाद जब हम मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो वो ब्लैक लगना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप फेस वॉश करें तो उसके बाद में मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई कर लें। मॉइस्चराइजर आप जो भी अप्लाई करते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। गाइज एक बार आप इस फेस वॉश को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। मैं इसको कम से कम 20 डेज से यूज़ कर रही हूँ। 1 मंथ पहले मैंने ऑर्डर किया था पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 20 डेज मुझे हुए हैं और मुझे इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा लगता है। इसको जब मैं अप्लाई करती हूँ तो इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी क्रीमी है। थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है, वाटर ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे 2 मिनट के, उसके बाद वॉश कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा इजीली कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो स्किन है पूरी डर्ट निकाल देगा आपकी स्किन से। तो एक बार इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अफोर्डेबल भी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।